हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेमी बैच रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पे हमने स्टडी की थी कि किस कंडीशंस में हम लोग सेमी बैच रिएक्टर यूज़ करेंगे और किस कंडीशंस में हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर या मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर देखा था कि जब हम लोग को कन्वर्जन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा या तो उस वक्त प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ किया जाता है, या गैस फेज रिएक्शन की रिएक्शंस करानी है तो वहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ किया जाता है, या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट हम लोग को चाहिए तो वहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम लोगों ने मिक्स फ्लो रिएक्टर की कंडीशंस देखी थी कि जब मिक्स फ्लो रिएक्टर कब यूज़ करेंगे, तो जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तब मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ किया जाता है, जब रिएक्शन का रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन का टाइम कम होता है तो उस केस में भी हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ करते थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी कि जहाँ पे हीट कंट्रोल जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और वहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो उस केस में अगर होमोजीनियस रिएक्शन है तो हम लोग बेसिकली मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ करते थे। उस केस में जहाँ पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल है, उस केस में हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ नहीं करते थे। तो ये स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वेरियस टाइप के रिएक्टर्स के पढ़ रखे हैं। तो आज हम लोग एक नया डिफरेंट टाइप का रिएक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, पैक्ड बेड रिएक्टर। तो बेसिकली पैक्ड बेड रिएक्टर क्या है, प्लग फ्लो रिएक्टर ही है। जो पैक्ड बेड रिएक्टर की हम लोग बात करते हैं वो प्लग फ्लो रिएक्टर ही होता है। अब क्योंकि प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या होता था, एक मान लीजिए एक ही ट्यूब होती थी, ट्यूब में आपका ये फ्लूइड आपका रिएक्टेंट फ्लो करता था। तो इसमें भी बेसिकली क्या होती है, जैसे अगर ये वाला रिएक्टर देखें तो ये बेसिकली क्या है, एक ट्यूबलर रिएक्टर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये बेसिकली एक वर्टिकल वेसल है, लेकिन एक इसको ट्यूबलर रिएक्टर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी गैसेज आ रही हैं, अगर इसको हम लोग टिल्ट कर दें, घुमा दें, इस तरह कर दें, तो ये बेसिकली हमारे लिए एक ट्यूब हो गया। तो बेसिकली ये ट्यूबलर रिएक्टर ही है। जो पैक बेड रिएक्टर की बात करते हैं तो ट्यूबलर रिएक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कैटलिस्ट की पैकिंग कर देते हैं एक पार्टिकुलर लेंथ तक, जो आपका ये रिएक्टर होगा, रिएक्टर की ये अपना सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें कुछ लेंथ तक जो है उसमें पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग का मतलब हम लोग कैटलिस्ट को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट में परफोरेशन रहता है, मतलब होल रहता है, तो जिससे आपकी अगर गैसेस फ्लो करनी है हम लोग को तो गैसेस नीचे से फ्लो करते हैं, इससे पास होती हैं और फिर यहाँ पे आके कैटलिस्ट जो हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं। उसके बाद फिर रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर गैसेस फॉर्म में प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं। अगर यही रिएक्शंस मतलब बेसिकली ये जो पैक्ड बेड रिएक्टर हैं इनको हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए मतलब आपका अगर लिक्विड है तो रिएक्टेंट हैं तो एक से ज़्यादा फेजेस में होने चाहिए, गैस और लिक्विड में होने चाहिए। अगर कैटलिस्ट है तो वो गैस या लिक्विड या सॉलिड तीनों में से किसी भी एक फेज में हो सकता है। तो बेसिकली जो पैक्ड बेड रिएक्टर होता है उसमें अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये सॉलिड हो गया। अब या तो आपका रिएक्टेंट अगर गैस फेज में है तब भी ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाएगी, और अगर आपका लिक्विड फेज में है तब भी वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें अगर गैसेस हैं तो हम लोग बेसिकली टॉप या तो बॉटम से सेंड कर सकते हैं या तो टॉप से भी सेंड कर सकते हैं, और जब लिक्विड है तो यूजुअली हम लोग टॉप से फीड करते हैं और यहाँ से ये लिक्विड से कांटेक्ट ये सॉलिड से कांटेक्ट करता है और रिएक्शन होती है। रिएक्शन होगी तो आपका कन्वर्जन होता है, फिर बॉटम से हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, पैक बेड रिएक्टर में आपका एक ट्यूब है, ट्यूब में हमने कैटलिस्ट की पैकिंग कर दी और उसमें क्या हुआ कि ये साइज़ कैसा लेंगे कैटलिस्ट का, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है कि जो आपकी परफोरेटेड जो ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट हमने नीचे रखी है, क्योंकि कैटलिस्ट अंदर पैक कर रहे हैं, कैटलिस्ट रख रहे हैं तो उसको सपोर्ट के लिए कुछ हमें चाहिए नीचे। कैटलिस्ट किसी के सपोर्ट पर ही रखेंगे ना, ये क्योंकि एक वेसल है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट लगाते हैं, तो जो बॉटम है यहाँ पर एक्चुअली होल होता है, होल यहाँ शो नहीं हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए एक गैप रहता है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट इसको बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट
रखते हैं उसमें जो है ना होल्स रहते हैं। होल्स किस लिए रहते हैं कि गैसेस को पास होना है या लिक्विड को पास होना है, तो इसलिए हम लोग उसमें होल्स देते हैं। अब इसके होल्स इस तरह होने चाहिए क्योंकि ये कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट है। अगर आपके होल्स आपने कैटलिस्ट से बड़े बना दिए तो कैटलिस्ट आपका नीचे गिर जाएगा, आके यहाँ पे एकदम रिएक्टर के बॉटम पे आ जाएगा, फिर आपकी रिएक्शंस हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए इसका डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने अगर बहुत छोटे आपने बना दिए होल्स तो कैटलिस्ट तो आपका स्टेप रुक जाएगा, लेकिन क्या है कि आपकी गैसेस या लिक्विड उतना फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली इसमें मतलब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है उसकी डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो दूसरे कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमने क्यों अगर कैटलिस्ट बहुत बड़े बना दिए तो बड़े बनाएंगे तो कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। भाई आपने इसमें सिर्फ 3 स्फेरिकल कैटलिस्ट डाल दिए, ये जो कैटलिस्ट है हम लोग या तो स्फेरिकल कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं या सिलेंड्रिकल कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं या रिंग टाइप का कोई कैटलिस्ट हो, जैसे रैशिक रिंग वगैरह होती हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा पर्पस जो होता है जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड या गैसेस जो भी आपके रिएक्टेंट हैं वो कांटेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे इंटरफेशियल एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इंटरफेस का मतलब जहाँ पे दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं वो एरिया, उतना फास्ट रिएक्शंस होती हैं। बेसिकली कैटलिस्ट तो कन्वर्जन आपका चेंज करेगा नहीं, वो रिएक्शंस की स्पीड को इनक्रीज़ करता है कैटलिस्ट। तो स्पीड कब इनक्रीज़ होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगा रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कैटलिस्ट ऐसा रखते हैं, मतलब वो साइज़ रखते हैं कैटलिस्ट की जिससे आपका इंटरफेशियल सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर क्या होगा कि हम कैटलिस्ट बहुत छोटे छोटे रख दें, बहुत छोटे छोटे रख देंगे तो क्या होगा कि वो एकदम पैक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्पेस उनके बीच बचेगा नहीं। स्पेस नहीं बचेगा तो फिर जो गैसेस और लिक्विड होती हैं वो पास होने में बहुत मतलब प्रेशर, अगर यहाँ पे मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डाल रहे हैं तो ये सब प्रेशर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इसके फ्लो के लिए। जब रेजिस्टेंस होगा तो इसकी एनर्जी प्रेशर हेड आपका लॉस होता जाएगा, तो इसलिए प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने छोटे पार्टिकल्स कर दिए, कैटलिस्ट जो ले रहे हैं छोटे, बहुत छोटे स्मॉल साइज़ में कर दिए, तो बेसिकली वो जो है ना फ्लो ही नहीं होने देगा। फ्लो नहीं होने देगा मतलब प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपने क्या किया, कैटलिस्ट अगर आपने बड़े बड़े रख लिए, कैटलिस्ट बड़े रख लिए तो क्या वो प्रॉब्लम होगी कि आपका जो सरफेस एरिया है, जैसे अगर समझा जाए ये कैटलिस्ट है, स्फेरिकल कैटलिस्ट है, अब इसका सरफेस एरिया तो आउटर सरफेस एरिया ही अवेलेबल होगा रिएक्शन उसको कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसी कैटलिस्ट को हम लोग मान लीजिए जितना बड़ा इसकी रेडियस है, अगर 10 mm है या 20 mm है, अब इसी को हम लोग छोटे छोटे कैटलिस्ट में ब्रेक कर दें, स्फेरिकल पार्टिकल ही हो, लेकिन इसको पता चला कि हम लोगों ने 100 उसमें कर दिया, 100 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए, तो क्या हुआ कि अब यहाँ तो बस ये बाहर इस आउटर सरफेस एरिया हम लोग को मिल रहा था रिएक्शन करने के लिए। या हो सकता है अगर इसमें पोर्स होंगे, तो पोर्स होते हैं जैसे कैटलिस्ट में पोरस बनाया जाता है, क्योंकि इंटर सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट को हम लोग पोरस बनाते हैं, तो पोर्स होंगे तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी। तो जब हम लोग पार्टिकल इसी कैटलिस्ट जो बड़ा कैटलिस्ट था उसको बहुत छोटे छोटे कैटलिस्ट में हम लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया, मतलब बेसिकली स्फेरिकल कैटलिस्ट ही बना दिया, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बेसिकली कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट होंगी। रिएक्शन तो जो रिएक्शन अगर मान लीजिए 5 hours में हो रही थी वो रिएक्शन 1 hour में भी कंप्लीट हो सकती है, मतलब रिएक्शन बेसिकली फास्ट हो जाएगी, तो टाइम जो रिक्वायरमेंट है टाइम की वो आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह कैटलिस्ट वर्क करता है। तो कैटलिस्ट अब यहाँ पे बहुत छोटे ना रखते हैं ना बहुत बड़े, बहुत बड़े की प्रॉब्लम समझ गए आप लोग, बहुत बड़े होंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, और बहुत छोटे आप रखेंगे तो आपका क्या होगा कि क्लॉक कर देगा, इसको क्लॉक वर्ड बोलते हैं, क्लॉगिंग, CLOGGING, क्लॉक कर देगा, मतलब आपको फ़्लो नहीं होने देगा, आपके जो फ्लूइड हैं, आपका जो भी गैसेस हैं या आपका लिक्विड है उसको फ्लो ही नहीं होने देगा, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमें प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसको फर्दर जो है ना प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये हम लोग को ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है।
अब दूसरा इशू क्या है कि जैसे रिएक्शंस हुई, अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है तो हमको कूलिंग करनी है। अब कूलिंग करनी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे जो हीट जनरेट हो रही है, अब कूलिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉइल तो अंदर फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड कैटलिस्ट है, बेड है वहाँ पे, तो उसमें कॉइल क्या जाएगा, और जाएगा तो सिर्फ जो पॉइंट कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही है ना इसमें, तो जो पॉइंट कॉन्ट और प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, एक्सियल मिक्सिंग नहीं होती है, लेटरल उस रेडियल मिक्सिंग होती है, तो इसमें जो पॉइंट्स मतलब जिस पॉइंट पे आप सिर्फ कॉइल डालोगे वो इसी पॉइंट पे वो कूल करेगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैकेट प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग जैकेट, मतलब जो रिएक्टर आपका है उसके बाहर एक बना देते हैं, ये जैकेट इसको बोलते हैं। तो कूलिंग फ्लूइड हम लोग इंटर करते हैं और कूलिंग फ्लूइड आउट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपका ये कैटलिस्ट है और पैक्ड बेड है, मतलब इसको फिक्स बेड भी बोलते हैं, पैक्ड बेड भी बोलते हैं, और बेटर वर्ड है कि फिक्स बेड, क्योंकि हम लोग ये दो प्लेट्स के बीच में कैटलिस्ट को फिक्स कर देते हैं। पैक्ड भी बोला जाता है, पैक्ड बेड फिक्स बेड दोनों सही है, लेकिन अगर बेटर वर्ड यूज़ पूछा जाए कौन है तो फिक्स बेड है, क्योंकि इसमें हम लोग बेड को फिक्स कर रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में। तो क्या हुआ कि यहाँ कैटलिस्ट फिक्स हैं, अब यहाँ पर हीट जो जनरेट हो रही है, अब इसको कूलिंग की ज़रूरत है, अगर हम लोग कूलिंग नहीं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कूलिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे फ्लूइड आना चाहिए। अब जैसे और रिएक्टर्स थे, मिक्स फ्लो रिएक्टर था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, मिक्सिंग करते रहते थे, एजिटेशन करते रहते थे बेसिकली एजिटेटर से, तो एजिटेटर से एजिटेशन करते हैं तो सारा फ्लूइड जो है ना, हर जगह की कंसनट्रेशन सेम रहती है, हर जगह फ्लूइड मिक्स रहता है। तो जो अगर हम लोग बाहरी आउटर यहाँ पे वॉल से रिएक्टर का जो वॉल है वहाँ पे भी अगर कूलिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पे हर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, तो वो कूल होते रहते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ऐसी कंडीशंस हैं और यहाँ पे जो बीच में अगर रिएक्टर हो रही रिएक्शन हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी इसमें कि यहाँ पे ये जो ये पार्ट है यहाँ पे हीट ये कोल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है, मतलब ऐसे सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, तो हॉट स्पॉट जनरेट हो जाएगा तो ना तो कैटलिस्ट के लिए ठीक नहीं, कैटलिस्ट की सिंटरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जब एक्सपोज होता है कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट की सिंटरिंग हो जाती है और वो परमानेंटली उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बेसिकली इसमें कराएंगे ही नहीं, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको कुछ और हम प्रोविज़न कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो कैटलिस्ट ये पैक्ड बेड रिएक्टर होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, मतलब पूरी केमिकल रिएक्शन केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये रिएक्टर है, तो इसको वर्क हॉर्स भी कहते हैं। वर्क हॉर्स समझते हैं हम लोग ना, कि जो मतलब वर्क करता रहे, एक रनिंग हॉर्स होता है जो जिसको हम लोग पूरे साल भर मतलब खिलाते हैं, उसको तैयार करते हैं रेस के लिए, वो सिर्फ मतलब कुछ मिनट्स के लिए रेस करता है, लेकिन वर्किंग हॉर्स तो मान लीजिए कि जो हमेशा यूज़ होता है। तो ये कैटलिस्ट बेड जो पैक बेड है आपका वो वर्क हॉर्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री कहलाता है। तो ये मतलब बहुत अच्छा होता है, साल दो साल तक चलता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं आती, मतलब लॉन्गर लाइफ होती है इसकी, कैटलिस्ट को फ्रिक्वेंट रीजनरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर हम लोग कुछ ऐसा करें कि मतलब वो टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल कर लें। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजन से इस तरह किए जाते हैं कि अब क्या करें कि हम लोग ट्यूब बना दें, यहाँ पे सिर्फ पूरे बेड को हम लोगों ने पैकिंग कर दी थी, पूरा कोई स्पेस नहीं छोड़ा था, जो तो स्पेस नहीं छोड़ा था, तो आप लोग को सवाल ये होगा कि फ्लूइड कैसे पास होते हुए, तो बेसिकली जब हम लोग पैक कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं तो सारा जो है ना एकदम स्पेस पैक नहीं हो जाती ना, क्योंकि आप सिलेंड्रिकल या पार्टिकल ले रहे हैं या स्फेरिकल पार्टिकल ले रहे हैं, तो आप उनको कितना भी पास जोड़ेंगे रखेंगे उसमें स्पेसेस हो जाते हैं, तो स्पेसेस अगर हो जाएंगे तो उसी के थ्रू वो आपकी बीच बीच में पास होती हैं। तो जैसे ऐसे ऐसे पास होगी आपकी फ्लूइड है या गैसेज है, ऐसे जो भी जो उसको स्पेस मिलेगा जैसे वो ऐसे पास होगी, तो इस ऐसे पास होती रहती हैं। तो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि चैनलिंग हो जाती है। चैनलिंग का मतलब जो आपका फ्लूइड है या जो आपका लिक्विड है, मतलब एयर गैस है, वेपर्स हैं, या आपका फ्लूइड लिक्विड है, वो सिर्फ कुछ पार्टिकुलर वो रास्ता ढूंढ लेता है, सिर्फ उसी से पास होता है और बाकी जो है ना रास्तों से पास नहीं होता है। तो रास्तों से पास नहीं होगा तो फिर कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा, सरफेस एरिया नहीं हो पाएगा, मतलब उसको सफिशिएंट मिल पाएगा कॉन्टैक्ट होने के लिए, तो रिएक्शन फिर वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या करें कि ट्यूब लगा दें, इसमें कुछ स्पेस छोड़ दें, शेल एंड ट्यूब, आपने देखा होगा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो उसमें क्या होती है ट्यूब्स होती हैं और पूरा जो खाली जगह होता है वो शेल होता है, तो ट्यूब के बीच में भी स्पेसेस रहते हैं, तो कैटलिस्ट को जो है ना हम लोग ट्यूब में फिल कर देते हैं, तो और इसमें रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें रिएक्शन जब होती है तो फिर जैसे हीट जनरेट हुई तो हम लोग कूलिंग फ्लूइड जो है ना इसमें शेल साइड से इंटर करा देते हैं, शेल साइड से जब कूलिंग फ्लूइड इंटर होगा तो हर एक ट्यूब पर को जाके कूल कर देता है, कूल कर देता है, तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल जो है ना ज़्यादा बेटर होता है इसमें। मतलब अगर हम ट्यूबलर रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्यूब में कैटलिस्ट को डाल रहे हैं इन कंपेरिजन टू पूरा बेड को पैक कर रहे हैं, लेकिन यही है कि कैटलिस्ट फिर इस तरह से हम लोग कम यूज़ कर पाएंगे, कैटलिस्ट कम यूज़ कर पाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कन्वर्जन फिर उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि हीट यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास एक ये होता है कि हम लोग उसमें कैटलिस्ट के डिफरेंट बेड्स लगा दें, मतलब जैसे पूरा कैटलिस्ट, ये पूरा बेड है आपका, ये वेसल है, तो जैसे यहाँ कर रहे थे कि पूरी हम लोग पैकिंग कर दे रहे थे, मतलब 70% 80% या 60% ऑफ द जो टोटल वॉल्यूम था इसका रिएक्टर का वहाँ पे इतना पैकिंग कर दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग ट्यूब में पैकिंग कर दी, तो ये इससे बेटर है टेम्परेचर कंट्रोल के मामले में। लेकिन एक और हमारे पास स्पेस है कि उसमें हम लोग जैसे बेड जो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे पूरी लेंथ का बेड बना दिया, तो हम लोग डिफरेंट लेंथ की बेड बना दें, कुछ लेंथ का बनाएं फिर बेड की लेंथ बढ़ाते जाएं, फिर बेड की लेंथ बढ़ाते जाएं, तो जैसे फर्स्ट स्टेज पैक बेड है यहाँ पे हम लोग कम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद हम लोग कूलिंग कर लिए, तो कूलिंग कर लिए तो जैसे टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बेड प्रोवाइड किया, फिर हम लोग जो है ना कूलेंट इसमें फ्लो कर दे रहे हैं, कूलेंट फ्लो हो रहा है, उसको कूल कर दे रहा है जो रिएक्शन टेम्परेचर है, तो मतलब स्टेप वाइज उसको हम लोग कूल कर रहे हैं जिससे उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर फाइनली जो रिएक्ट करके आपके प्रोडक्ट जो है ना ऊपर से निकल गया, तो जो लास्ट स्टेज मतलब हम लोग स्टेज बाय स्टेज जो लेंथ ऑफ द बेड है वो इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब कैटलिस्ट को ज़्यादा प्रोवाइड करते जाते हैं, जैसे लास्ट स्टेज होगा यहाँ पे जैसे तीन स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में जो कैटलिस्ट होगा वो ज़्यादा होगा सेकेंड स्टेज से, और सेकेंड स्टेज में जो होगा फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा होगा, तो इस तरह हम लोग जो है टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो उसको बेसिकली हम लोग पैक बैग में नहीं कराते, ट्यूबलर रिएक्टर में कराते हैं, लेकिन इसमें भी ट्यूब्स में कैटलिस्ट भरे होते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इस टाइप के कैटलिस्ट इस टाइप के रिएक्टर में जहाँ पे बेड्स हों लेकिन डिफरेंट बेड्स हों, पूरा एक ही कंप्लीट बेड नहीं हो, कैटलिस्ट वही है लेकिन बेड डिफरेंट क्वांटिटीज रखी हुई हैं इसमें, इस बेड पे, फिर इस बेड पे, इस बेड पे, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस करा लेते हैं। तो दो तीन चैलेंजेस जो इसमें आते हैं, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपका कि प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप अगर आपने बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ कर दिए तो प्रेशर ड्रॉप होगा, बड़े साइज़ कर दिए आपने तो आपके साथ चैलेंज आ जाएगा कि आपके पास जो है एरिया नहीं होगा, तो उस चैलेंज को भी थोड़ा सा काउंटर करने के लिए हम लोग पोर्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। पोर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि छेद होता है उसके अंदर, तो जिससे क्या होता है कि फिर अब वो भी, क्योंकि अगर हमने ऐसे कैटलिस्ट है अपना, ये वाला कैटलिस्ट है जैसे, तो इसका जो स्फेरिकल जो एरिया है वो जो आउटर एरिया है वही उसी पर रिएक्शंस होंगे, लेकिन हमने क्या किया कि कैटलिस्ट कुछ इस तरह बनाया, ये इस तरह कैटलिस्ट है आपका, तो यहाँ पे तो बाहर का थोड़ा सा इतना एरिया लूज करें हम लोग, लेकिन जो सर्फ ये अंदर का एरिया है ये पोर्स इसको बोलते हैं, तो पोर्स का एरिया मिल गया उसको रिएक्ट करने के लिए, तो पोर्स हम लोग जो प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब हम लोग कैटलिस्ट पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में तो थोड़ा सा डिटेल में इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम लोग समझ ले रहे हैं कि एरिया उसका कैसे फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, तो पोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इशू ये होता है ना कि पोर्स भी आप कितना पोर्स प्रोवाइड करेंगे, कितना वॉइड जो है ना वॉल्यूम उसका कम रखेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पोर्स प्रोवाइड कर दिए मतलब ज़्यादा उसको खोखला बना दिया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो पता चला कि आपका पाउडर फॉर्म में वो आपका इस कैटलिस्ट सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक चैलेंज होता है कि आप पोर्स कितने बड़े रख रहे हैं। तो जो अंदर इसके कैटलिस्ट जो बनते हैं उसको माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोई इशू नहीं है उसको। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग इसमें कराएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर हम लोग पैक बेड नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है और हॉट स्पॉट जनरेट हो जाते हैं, हॉट स्पॉट जनरेट होने की वजह से
हॉटस्पॉट जनरेट होने की वजह से कैटलिस्ट की सिंटरिंग हो जाती है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग इसको कब यूज़ करते हैं, जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमें करना होता है तब यूज़ करते हैं बेसिकली। और ये कब किस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए। हेट्रोजीनियस में आपका क्या हो सकता है कि आपका सॉलिड गैस की रिएक्शन हो सकती हैं, या आपका कैटलिस्ट भी हो और सॉलिड कैटलिस्ट मतलब सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्शन हो, और या सॉलिड गैस की रिएक्शन का जैसे एग्जांपल हो, जैसे कोल का कम्बशन है, तो कोल को हम लोग कम्बशन करने के लिए एयर फ्लो करते हैं, तो कोल कैसे बैठ के फॉर्म में रहता है, तो कोल कम्बशन जो है ना एक एग्जांपल हो गया ये पैक्ड बेड रिएक्टर का। एक और एग्जांपल अगर हम लोग रियल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहें तो अमोनिया की सिंथेसिस हो गई। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होती है, गैसियस फेज में होंगी, तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लोग बॉटम से फ्लो करेंगे, और जो आयरन कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग पैकिंग कर देते हैं इसमें पैक बेड के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पैक बेड रिएक्शन है वो कौन सी, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, जबकि आपका जो कैटलिस्ट है आयरन जो है वो किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें हो सकती हैं, किस रिएक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिसएडवांटेज और एडवांटेज इसका ब्रीफ में देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या हमने देखा, एडवांटेज सबसे बड़ा है कि इसमें जो कॉन्टैक्टिंग है वो बहुत अच्छी होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है तो इसलिए कॉन्टैक्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और यूजुअली जो है, और इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन प्रेशर ड्रॉप कम होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, और कन्वर्जन जो है ना, जैसे पैक बेड रिएक्टर के बारे में हमने देखा है कि पैक बेड रिएक्टर जो होते हैं उसमें कन्वर्जन मैक्सिमम होता है, जितने भी टाइप के हम लोग पैकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन किस में होता है, जितने भी टाइप के रिएक्टर हम लोग यूज़ करते हैं तो पैक बेड रिएक्टर में होता है, ट्यूबुलर रिएक्टर में होता है, प्लग फ्लो रिएक्टर में। तो अगर पर केजी कैटलिस्ट की बात हम लोग करेंगे, अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करें डिफरेंट रिएक्शन सिस्टम में, तो सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन होगा यहीं पे मिलता है। इसमें कोई मूविंग बेड नहीं, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, सब फिक्स पार्ट होते हैं, आपका कैटलिस्ट भी फिक्स है, आपकी प्लेट्स भी फिक्स हैं, तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता इस प्रोसेस में, मतलब इस रिएक्टर में। तो इस रिएक्टर में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम आती है, ऊपर से क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ना कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, भाई बैच रिएक्टर हम लोग यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमारे साथ चैलेंज ये हो गया था कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं था, तो हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और जो यहाँ पे रिएक्टेंट मान लीजिए रिएक्शन किया उससे कैटलिस्ट से, और उसके बाद फिर कैटलिस्ट क्या हुआ, आप कैटलिस्ट इसी में फंसा हुआ है, कैटलिस्ट की क्योंकि हमने ऐसे पोर्स इतने बड़े नहीं दे रखे हैं कि कैटलिस्ट यहाँ से निकल जाए, तो कैटलिस्ट यहीं पर रह जाता है और जो गैसेज हैं या लिक्विड्स हैं अपना ऊपर से निकल जाती हैं या नीचे से जैसे भी हम लोग फ्लो कर रहे हैं निकल जाती हैं। तो गैस लिक्विड का जो आपका गैस सॉलिड का या फ्लूइड सॉलिड का जो सेपरेशन है वो बहुत इजी है। तो क्या क्या खासियत है कि जो कन्वर्जन होगा पर यूनिट कैटलिस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है क्योंकि सिंपल है कुछ नहीं, इसमें हमें फिक्स करना है कैटलिस्ट को, डिज़ाइन मुश्किल है लेकिन कंस्ट्रक्शन ईजी है, तो लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन भी में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। और क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका ऑपरेशन जो है ना कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेपरेट करना कैटलिस्ट और फ्लूइड को या प्रोडक्ट को वो ज़्यादा इजी है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब देखा हमने ना कि बीच में अगर रिएक्शन हो रही है जो सेंट्रल पॉइंट है, अगर जिसमें हम लोग सेंटर की बात करें तो वहाँ पर हम लोग आप जो कूलिंग फ्लूइड हमें फ्लो करना है वहाँ तक हम लोग पहुँचा ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है फिर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब कूल नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर जो है ना ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब विद द लेंथ ऑफ लेंथ से जैसे हम लोग मूव करेंगे लेंथ के पे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। अगर ऐसे हम लोग रेडियस में की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है रिएक्टर के बाउंड्रीज के पास, लेकिन सेंटर पे जाएंगे तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि ग्रेडियंट बन जाता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो पहला चीज़ तो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है, हॉट स्पॉट से क्या प्रॉब्लम आएगी कि सिंटरिंग हो जाती है कैटलिस्ट की। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जल्दी से तो कैटलिस्ट इसमें हम लोग को मतलब इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, हम लोग को बार बार इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जब भी रिप्लेस करते हैं हम लोग तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा टफ होता है,
तो रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन इसमें हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। मतलब रीजनरेशन के मतलब कैटलिस्ट अगर डीएक्टिवेट हो गया तो उसको हम लोग रीजनरेट नहीं करते, फिर प्रोसेस को बेसिकली हमें रोकना पड़ेगा, फिर उसको बेड से कैटलिस्ट को निकालेंगे, फिर इसको रीजनरेट करेंगे, फिर से कैटलिस्ट में डालेंगे, तो ये मतलब लेंथी प्रोसेस, पूरा प्लांट को हमें शट डाउन करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन को हमें रोकना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि चैनलिंग हो जाती है इसमें, कि मतलब जो फ्लूइड है कुछ ही जगह से पास होते हैं और जगह से पास नहीं हो पाते हैं, तो मतलब जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस तरह पैकिंग करें जिससे चैनलिंग ना हो, मतलब क्योंकि अगर कुछ ही जगह से सिर्फ पास होने लगेंगे तो फिर कॉन्टैक्ट नहीं होगा, फिर रिएक्शंस नहीं होंगी। तो हीट ट्रांसफ़र जो है ना सब टू और फ्रॉम, मतलब यहाँ से हीट, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट को इसमें देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हीट कैसे देंगे भाई, मिक्सिंग हो नहीं रही है तो फ्लूइड मतलब जो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो यहीं पे है, जो यहाँ पे फ्लूइड है वो यहीं पे है, जो सेंटर पे है वहीं पे है, तो उनको मतलब बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हीट कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो बेसिक कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस, तो मेजर डिसएडवांटेज हमें जो याद रखना है वो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, आपका हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है और सिंटरिंग होती है, और दूसरा कि रिप्लेसमेंट ऑफ कैटलिस्ट बहुत मुश्किल है, और तीसरा कि चैनलिंग आपकी हो जाती है, मतलब सिर्फ कुछ ही जगह से पास होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फर्दर साइंटिस्ट ने एक नया मतलब रिएक्टर टाइप का जनरेट डेवलप किया, उसको हम लोग फ्लूडाइज बेड रिएक्टर कहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि फ्लूडाइजेशन क्या है, फ्लूडाइज क्या होता है। तो फ्लूडाइजेशन बेसिकली क्या है कि एक टेक्निक है, एक तरीका है, उसमें क्या करते हैं, जो आपको सॉलिड कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सॉलिड कैटलिस्ट अभी फिक्स था, उसको सॉलिड कैटलिस्ट को हम लोग फ्लूडाइज कर लेते हैं, मतलब उसको ये समझिए कि फ्लूइड के फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे अगर लिक्विड को बॉयल करें तो उस फॉर्म में आ जाता है, पूरा लिक्विड हो जाता है फ्लूइड, आप मतलब देखोगे तो आप लगेगा नहीं कि वो सॉलिड है। तो फ्लूइड किसकी हेल्प से उसको फ्लूडाइज करते हैं, आपको हम लोग या तो गैसेस यूज़ करते हैं या लिक्विड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्लूडाइजेशन क्या है, फ्लूडाइजेशन एक टेक्निक है, एक तरीका है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फ्लूडाइज कर लेते हैं हम लोग फ्लूइड की तरह, तो फ्लूडाइज हो जाएंगे तो बिहेव भी जो है फ्लूइड की तरह करेंगे, तो उनको फ्लूडाइज कर लेते हैं। किससे फ्लूडाइज करते हैं, हम लोग फ्लूडाइज करते हैं आपका या तो एयर से मतलब वेपर से या तो आपका लिक्विड से। तो जैसे ये कैटलिस्ट है आपका, ये पैक बेड कैटलिस्ट था, तो जब इसको हम लोग फ्लूडाइज कर लेंगे तो जैसे हम टिल्ट करेंगे मतलब थोड़ा सा तिरछा करेंगे, तो अगर जैसे ये लिक्विड है मतलब ये सॉलिड है तो तिरछा करेंगे तो लिक्विड भी गिरने लगेगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जब ये फ्लूडाइज हो जाएगा उसको तिरछा करते हैं तो आपका लेवल जो है ना वो नहीं वो होता है, क्योंकि प्रेशर जो लिक्विड पे प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है हर पॉइंट पे, तो जो लिक्विड को अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट भी करते हैं आपका रिएक्टर का, तो मतलब लिक्विड का लेवल मेंटेन रहता है फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड बन जाता है ना, बेसिकली फ्लूइड है वो, गैसेस मानिए लिक्विड मानिए। तो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, पहले देख लिया कि फ्लूडाइज बेड रिएक्टर क्या है, तो फ्लूडाइज तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्लूडाइजेशन क्या है। तो फ्लूडाइजेशन एक तरीका है जिसमें हम लोग सॉलिड को, किसको, सॉलिड को, क्योंकि कैटलिस्ट अपना क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड को हम लोग फ्लूडाइज कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से या फ्लूइड की हेल्प से। तो जब ये फ्लूडाइज होता था तो ये सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करता, ये फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग फ्लूडाइज बेड रिएक्टर यूज़ कब करेंगे, जैसे अभी हम लोग पैक्ड बेड रिएक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि कुछ, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसमें फ्लूडाइज कर लेते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये इशू था उसमें कि कॉन्टैक्ट एरिया जो था, मतलब जो इंटरफेशियल कॉन्टैक्ट हो रहा था, क्योंकि पैक्ड बेड था तो सॉलिड एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कुछ एरिया जो है ना सॉलिड आपस में कांटेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट पार्टिकल सॉलिड है तो कुछ एरिया तो वैसे चला जा रहा है कि जिस जहाँ पे वो दूसरे एक दूसरे से कांटेक्ट में है सॉलिड्स, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे दो सॉलिड्स कांटेक्ट में हैं, सिलिंड्रिकल सॉलिड है ये, स्फेरिकल कैटलिस्ट है, तो ये वाला जो एरिया है वो तो ख़राब हो गया ना, यहाँ पे तो फ्लूइड कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या गैसेस नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं या लिक्विड नहीं कांटेक्ट पा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन मतलब बेसिकली हो ही नहीं रही है। तो कुछ एरिया जो है ना आपका यूज़ हो जाता है आपका पैक्ड बेड में, तो मतलब हमें सफिशियंट एरिया नहीं मिल पाता है, मतलब उतना लार्ज एरिया नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे हम लोग फ्लूडाइज कर लेते हैं, तो मतलब इसका पूरे रिएक्टर में ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तब यहाँ पे हम लोग को एरिया जो है ज़्यादा मिल जाता है। तो किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये भी जो है ना
हेटरोजीनियस रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे आपका वो एक मीडियम डिफरेंट होगा रिएक्टेंट के मीडियम से, तो कैटलिस्ट बेसिकली इसमें डिफरेंट होता है। तो हम लोग पैक्ड बेड भी हेटरोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं और फ्लूडाइज बेड भी हेटरोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में बेसिकली होता है क्या है वो हम लोग देखना चाहेंगे पहले। जैसे ये आपका ये एक आपका रिएक्टर है, इस रिएक्टर की पहले हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कैटलिस्ट रखा हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है नीचे, इसका भी मतलब वही जो डिज़ाइन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट की थी वैसे यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि इसका एरिया साइज़ मतलब होल्स छोटे करेंगे तो आपका कैटलिस्ट नीचे आ जाएगा, और होल्स बहुत पतले करेंगे तो इसमें भी यह प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसमें जैसे ये आपका कैटलिस्ट है, इस वक्त कैटलिस्ट रखा हुआ है प्लेट पे, तो इस वक्त किस कंडीशन में है, फिक्स कंडीशन में है, क्योंकि कैटलिस्ट आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, नीचे प्लेट पर रख दिया, ऊपर कैटलिस्ट सॉलिड है, तो कैटलिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसमें गैसेस या लिक्विड फ्लो कर रहे हैं तो क्या हुआ कि गैसेस जो है ना धीरे, अगर आपने वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी तो धीरे धीरे जो भी स्पेस इनके बीच में होगा उससे पास होकर रिएक्ट करके निकल जाएंगी। वो कौन सी कंडीशन हो गई, वो आपकी पैक्ड बेड रिएक्टर की कंडीशन हो गई, कि इसमें रिएक्ट आपका कैटलिस्ट थे, हमने लिक्विड को या गैसेस को फ्लो किया, जो भी स्पेस था इसके बीच में, भाई वॉइड वॉल्यूम होता है, वॉइड वॉल्यूम होता है, कुछ वॉल्यूम उसके बीच में खाली रहता है रिएक्टर में, तो उससे के थ्रू पास होकर चली जाती हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने यहीं लिक्विड या गैसियस की वेलोसिटी आपने इंक्रीज़ कर दी, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्रैग लगेगा, मतलब ये जो सॉलिड हैं इन पे ड्रैग फोर्स लगता है, तो ड्रैग फोर्स किसकी तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और इस सॉलिड के पार्टिकल्स का अपना वेट है, वेट जो है ना नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ये है, तो ड्रैग जो है ना इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, और इसका वेट जो होगा mg फोर्स जो है ना नीचे की तरफ लगेगा। तो हम लोग इसको मतलब फ्लूइड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो एक ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी जिस पे ये फ्लूडाइज्ड हो जाएगा, मतलब हर पार्टिकल अपने स्पेस से उठ जाएगा, मतलब वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब अब किसी एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होंगे वो लोग, वो उठ जाएंगे वहाँ पे। तो क्या होगा कि बेसिकली लेंथ जो है ना बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस अभी ये कवर करने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है तो उसको हम लोग मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी कहते हैं, कि मतलब वो वेलोसिटी गैस या लिक्विड की जिस पे आपका जो कैटलिस्ट है या सॉलिड पार्टिकल है फ्लूडाइज्ड हो जाता है, तो उसको मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी कहते हैं। तो उसकी कुछ अलग लेंथ होगी, लेकिन जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्टर के कंडीशंस, वो हम लोग मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी नहीं यूज़ करते, क्योंकि रिएक्टर का स्पेस भी हमें यूज़ करना है, तो हम लोग फ्लूडाइजेशन जो मिनिमम वेलोसिटी है उससे ज़्यादा रखते हैं वेलोसिटी। तो उससे ज़्यादा वेलोसिटी रखते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन जो है ना इसमें ये फ्लूडाइज हो जाता है आपका, फ्लूडाइज होता है, हम लोग रिएक्टेंट नीचे से फ्लो करते हैं, रिएक्टेंट आपका चाहे गैस भी हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, रिएक्टेंट आएगा यहाँ पर रिएक्ट करेगा इन कैटलिस्ट पार्टिकल से, कैटलिस्ट पार्टिकल से बेसिकली रिएक्शन में मतलब वो रिएक्ट करके कंज्यूम नहीं होते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो आपका जो रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके, जिससे अल्टरनेट पाथ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो जो कैटलिस्ट है यहाँ से पास होता है, सॉरी जो रिएक्टेंट है गैसेज हैं या लिक्विड हैं यहाँ से पास होते हैं, रिएक्ट करते हैं और फिर यहाँ ऊपर से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें एक चैलेंज ये होता है कि अगर हम लोग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर दिए ऊपर, अगर हमने यहाँ पे कोई प्लेट नहीं लगाएंगे, प्लेट अगर लगाएंगे तो फर्दर हम लोग क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, फ्लूइड को पास होने में प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा, बेसिकली प्रॉब्लम यही होगी कि प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो डिज़ाइन इस तरह वेलोसिटी की करते हैं कि ऐसी इतना वेलोसिटी रहे कि आपके जो गैसेज हैं वो निकल जाएँ, लेकिन ये सॉलिड को जो है ना फर्दर ये अपने साथ ना ले जाएँ, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ ना ले जाएँ, इस तरह की वेलोसिटी हमको बेसिकली मैनेज करनी पड़ती है। और इसीलिए इसकी डिज़ाइन जो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर की है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर है बेसिकली क्या हुआ कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हर जगह की सेम हो जाती है, क्योंकि फ्लूडाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब मिक्सिंग हो रही है, तो बेसिकली ये बिहेवियर बिहेव किस तरह करता है, CSTR की तरह करता है, कॉन्टीन्यूसली
स्टर टैंक रिएक्टर की तरह, जहाँ पे स्टरिंग फर्दर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई स्टरिंग नहीं प्रोवाइड करते, मतलब हम लोग कोई स्टरर नहीं यूज़ करते मिक्सिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्लूडाइजेशन हो जाता है। फ्लूडाइजेशन की होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, ये कैटलिस्ट पार्टिकल, तो पूरे जो रिएक्शन हो रही है वो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। मतलब होमोजीनियस का मतलब यही है कि यूनिफॉर्म हो जाता है, होमोजीनियस तो नहीं कहना चाहिए, जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है यूनिफॉर्म हो जाती है पर्टिकुलर टाइम पे, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो यहीं पे कंसंट्रेशन है, वो वहाँ पे कंसंट्रेशन है, क्योंकि हर जगह रिएक्टेंट पहुँच जा रहा है और रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद निकल जा रहा है। तो टेम्परेचर जो होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग बेसिकली एकदम CSTR के कंडीशंस हैं, तो मिक्सिंग वहाँ पे बहुत परफेक्ट होती है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस होंगी, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है ना ग्रेडियंट नहीं बन पाता, मतलब टेम्परेचर बहुत प्रॉपरली कंट्रोल होता है, जो प्रॉब्लम है उसमें आ रही थी। और इसके साथ एक खासियत और है कि जैसे अब क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट, तो वो जो रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि आपके कैटलिस्ट जो हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं। तो जो पैक्ड बेड रिएक्टर में है तो हम लोग ऐसे रिएक्शंस नहीं कराएंगे जिसमें डीएक्टिवेशन बहुत फास्ट हो, क्योंकि फिर हम लोगों को बार बार प्रोसेस को शट डाउन करना पड़ता है। लेकिन जो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर है इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मतलब अगर एक्सट्रीम वाली और कंडीशंस की हैं वो रिएक्शंस कराएंगे। जैसे इसमें अगर आपका मान लीजिए कैटलिस्ट ये हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको जो है ना इसी में पाइप के थ्रू, एक मतलब एक फ्लो सिस्टम रहता है उसके थ्रू हम लोग इधर ले आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एयर के थ्रू, एयर ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो कराएंगे, तो इसको लिफ्ट कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू जो है ना हम लोग इसमें ले जाएंगे, ये क्या है, रीजनरेटर है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जैसे आपका कार्बन के कंपाउंड डिपॉजिट हैं तो हायर टेम्परेचर पर यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे, मतलब एयर फ्लो कर देंगे, तो वहाँ पर कंबशन रिएक्शन हो जाएगी, तो कार्बन आपके जो है जो डिपॉजिट हैं वो हट जाएंगे, और फिर हम लोग जब हट जाएंगे तो उसको फिर एक यहाँ इसी रिएक्टर के अंदर एक लगा रहता है, उससे ये जो रीजनरेटर के अंदर एक सिस्टम लगा रहता है, पाइप मान लीजिए है, तो उसके थ्रू फिर हम लोग रिएक्टर में ला देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूस रीजनरेशन होता रहता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है हम लोग रीजनरेट करते रहते हैं, जिससे कैटलिस्ट मतलब बार बार हमको प्रोसेस को शट डाउन नहीं करना पड़ता। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका कैटलिस्ट की एक्टिविटी ख़त्म हो गई, मतलब कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन हो गया, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये सिस्टम दिया रहता है, सिस्टम मान लीजिए पाइप है, पाइप लाइन के थ्रू, वॉल के थ्रू हम लोग इसको नीचे ले लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, गैस जो है ना, गैस तेज वेलोसिटी से फ्लो कराते हैं, तो इसको उठा लेती है तो ऊपर ले आएगी आपके रिएक्टर में, रीजनरेटर में। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर उतना मेंटेन कर लेंगे, कम्बशन करा देंगे, अगर आप उस पर कोक वगैरह जैसे डिपॉजिट हुआ है तो कोक जो है ना कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो आपका ये कैटलिस्ट जो है ना फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब रीजनरेट हो गया, तो उसके रीजनरेटर से रिएक्टर का कनेक्शन रहता है, तो उसके थ्रू पास कर लेते हैं हम लोग रिएक्टर में। तो ये प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है, तो इसलिए इसकी डिज़ाइन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे फ्लूडाइज बेड हो जाएगा, गैसेस आ रही हैं, गैसेस यहाँ से लिक्विड गैसेस आउट हो जाती हैं, यहाँ से रिएक्टर को हम कैटलिस्ट को रीजनरेट कर लेते हैं रीजनरेटर में, फिर कैटलिस्ट को फिर से सप्लाई कर देते हैं रिएक्टर में, ये इसका प्रोसेस है। तो और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हमने देखी कि टेम्परेचर और कंपोजिशन जो है ना वो यूनिफॉर्म रहते हैं, और जो कैटलिस्ट के रीजनरेशन के लिए अलग सा हम लोग कंपार्टमेंट देते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं इसमें। तो जैसे दो इंपॉर्टेंट रिएक्टर है, जैसे जो पहले सबसे पहले ये रिएक्टर डिज़ाइन किया गया था विंकलर प्रोसेस के नाम से डिज़ाइन किया गया था, विंकलर, ये उसमें कोल के गैसिफिकेशन में यूज़ होता था, और दो जो अब लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है वो किस में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूडाइज बेड फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग FCC यूनिट्स में, तो वहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे ये रिएक्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने देख लिया रिएक्टर के बारे में। इसके अब जस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या मेजर एडवांटेज होगा कि ये जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल बहुत प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो मिक्सिंग बहुत अच्छी हो रही है, इंटरफेशियल एरिया ज़्यादा है, तो अगर कहें तो इंटरफेशियल एरिया ज़्यादा है तो इसलिए
मतलब इंटर फेशियल एरिया ज़्यादा है तो रिएक्शन का कॉन्टैक्ट रिएक्टेंट मतलब कॉन्टैक्ट ज़्यादा करेंगे कैटलिस्ट से। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा है इसमें, और ये जो है बहुत हाई जो वॉल्यूम अगर हमें प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ होता है, तो बहुत वॉल्यूम मतलब बहुत हाई वॉल्यूम में हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तब ये इस रिएक्टर को यूज़ करते हैं। और इसके एक और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें कंटिन्यूस रीजनरेशन होता रहता है, कैटलिस्ट को रीजनरेट करते रहते हैं, जिससे हम लोग को क्या करना होता है कि बार बार हम लोग को कैटलिस्ट प्रोसेस को शट डाउन नहीं करना पड़ता है। और हीट एंड मास ट्रांसफ़र बहुत अच्छा, मास ट्रांसफ़र का मतलब बेसिकली कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं आपके रिएक्टेंट कैटलिस्ट से, और हीट ट्रांसफ़र का मतलब हीट का कंट्रोल कैसे है। तो इसमें हीट का कंट्रोल बहुत अच्छा है, आप जैकेट के थ्रू जो है ना इसमें हीट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इसके एडवांटेजेस हुए। तो कांटेक्ट बहुत अच्छा है, टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो इसलिए हॉट स्पॉट नहीं बन पाता है, कैटलिस्ट का कंटिन्यूस हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम में हम लोग इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज में बात करें तो डिसएडवांटेज में इसका क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, तो आपको साइज़ बड़ा है तो इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पैक्ड बेड रिएक्टर में। और दूसरी साथ इसके साथ इशू है कि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कैटलिस्ट को हम लोग मूव करा रहे हैं उसके बाद फिर उसमें ले जाते हैं रीजनरेटर में, तो मूविंग पार्ट होने की वजह से इसका जो डिज़ाइन है तो वो कॉस्टली हो जाता है, डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसका ऑपरेशन जो है ना कॉस्टली हो जाता है। और इसमें क्या है कि हम लोग को कैटलिस्ट को रिकवर और रीजनरेट करना पड़ रहा है, तो बेसिकली डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कहीं पे मेंशन करना है तो कर सकते हैं। बेसिकली एडवांटेज है कि हम लोग कैटलिस्ट को रीजनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम लोग फ्लूडाइज करते हैं तो हम लोग को इसको बेसिकली पंप करना पड़ता है ना, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, तो पंप की रिक्वायरमेंट पंपिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, तो हाई प्रेशर ड्रॉप भी इसमें होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है क्योंकि ये पूरा बेड को हमें पूरे जो बेड को हमें फ्लोट कराना पड़ता है, बेसिकली फ्लोट ही करा रहे हैं ना हम लोग, सस्पेंड करा रहे हैं, जो वर्ड यूज़ किया जाता है सस्पेंड की, मतलब ना वो गिर रहा है ना बाहर जा रहा है, बीच में अटका हुआ है बेड के, तो हम लोग को सस्पेंशन कराना है कैटलिस्ट पार्टिकल को, तो हम लोग को पंपिंग कॉस्ट जो है ना इंक्रीज़ हो जाती। अब और दिक्कत एक ये है कि जैसे कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, जैसे सस्पेंड होते हैं हवा में मतलब इसमें फ्लूडाइज होते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकराते हैं तो एट्रिशन होता है उसमें, तो एट्रिशन होता है तो कैटलिस्ट आपका लॉस्ट होता जाता है। और कैसे कैसे कैटलिस्ट लॉस हो सकता है, आपका यहाँ से जब फ्लो होता है, आपने पता चला कि जब हमने वेलोसिटी डिज़ाइन की है प्रोसेस के लिए, वेलोसिटी जो हम लोग रख रहे हैं वो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत कैटलिस्ट जो है ना आपका प्रोडक्ट के साथ चला आया, तो कैटलिस्ट लॉस्ट वहाँ से भी हो जाता है। और तीसरा जो सब मेजर इशू है, ये जो कैटलिस्ट है क्योंकि मूव कर रहे हैं, ये फ्लूडाइज्ड हैं, तो ये जो रिएक्टर है उसकी वॉल से लगातार घिसते रहते हैं मतलब टकराते रहते हैं, तो उसको जो वर्ड यूज़ करते हैं एक इरोजन बोलते हैं, क्रोजन होता है, क्रोजन तो मतलब उस पर क्षय होता रहता है उसका, जो इरोजन है, इरोजन जो टकराने की वजह से जो आपका रिएक्टर जो है, रिएक्टर मतलब धीरे धीरे इसका मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाती है, वो घिसने की वजह से ना, तो इरोजन की वजह से आपका जो है रिएक्टर की थिकनेस कम होती जाती है, वॉल की थिकनेस कम होती जाती है, रिएक्टर कमज़ोर होता जाता है। तो बेसिकली एक कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। और इसमें क्या है कि ब्रॉड रेसिडेंस टाइम, मतलब रेसिडेंस टाइम इसमें ज़्यादा है क्योंकि आपका रिएक्टेंट है इसमें, और मिक्सिंग की कंडीशंस हैं, मतलब मिक्सिंग करा नहीं रहे हम लोग, एजिटेटर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मिक्सिंग की कंडीशंस हैं, तो जो रेसिडेंस टाइम है उसमें वेरिएशंस है, कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स कम टाइम तक के लिए रहते हैं, तो बेसिकली रेसिडेंस टाइम का इसमें इशू है कि रेसिडेंस टाइम ब्रॉड रेसिडेंस टाइम होता है। तो फिर से बेसिकली डिसएडवांटेज एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि साइज़ इसका बड़ा है तो इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी, कैटलिस्ट को हम लोग को रीजनरेट करना पड़ रहा है, उसके बाद हाई प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हाई प्रेशर ड्रॉप की वजह से क्योंकि हम लोग उसको फ्लूडाइज कर रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, और क्योंकि उसको ड्रैग मतलब उठा रही है ना पूरा, आप उसको जो भी हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं वो कैटलिस्ट को पूरा ऊपर उठा रही है, तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग को पंपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कैटलिस्ट का लॉस होता है। लॉस दो तरीके से हो सकता है, एक ये जो है कि यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा है तो कैटलिस्ट प्रोडक्ट के साथ आपका चला जाए, या फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कैटलिस्ट आपस में जो टकराएंगे तो उनका एट्रिशन होगा तो उसकी लॉस होगा कैटलिस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो कैटलिस्ट इससे आपका बेड है उससे टकराते हैं, मतलब रिएक्टर की वॉल से टकराते हैं, तो वहाँ पर इरोजन हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। किन कंडीशंस में हम लोग यूज़ करेंगे इनको, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होंगी,
मतलब कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होगा, तो हेटरोजेनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब हम लोग फ्लूडाइज बेड रिएक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि उस वक्त पैक्ड बेड रिएक्टर उस केस में नहीं यूज़ कर पाते, क्योंकि अगर लार्ज स्केल चाहिए तो पैक्ड बेड भी लार्ज स्केल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जब टेम्परेचर कंट्रोल की बात आती है तो फिर फ्लूडाइज बेड की तरह कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब पैक्ड बेड नहीं कर पाता। और कौन सी कंडीशन और ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट पर डिएक्ट मतलब को डिपॉजिट हो रहे हैं इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट हो रही हैं, इसका मतलब कि हम लोग को रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रीजनरेशन की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें रीजनरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ये रिएक्टर यूज़ करेंगे, जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें बेसिकली फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में ही कराना है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्लूडाइज बेड रिएक्टर के बारे में पढ़ लिया, इस तरह से हम लोगों ने लास्ट के 2-3 लेक्चर में सारे रिएक्टर्स के बारे में जो है बेसिकली थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आइडियल रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी परफॉर्मेंस इक्वेशंस को डेवलप करेंगे, डेराइव करेंगे।